हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर में आती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट रिलीज़ हुई है, द कंपनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू रिक्रूट हाई कैलिबर एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैविंग पोटेंशियल टू वर्क इन द डोमेन ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, सिविल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सारे ही ऑलमोस्ट ब्रांच एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो छोड़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेम ऑफ डिफोर्स डायरेक्ट मैनेजर एनवायरमेंट, E2 लेवल की पोस्ट है, यहाँ पे परमानेंट जॉब रहने वाली है आप लोगों की फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की 50,000 से लेके 1,60,000 पे स्केल बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 रिलीज हुई है फ्रेंड्स। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स, विदाउट गेट यहाँ पे आप लोगों की एंट्री होने वाली है फ्रेंड्स। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में E1 की लेवल है। तो यहाँ पे E1 वालों की जो सैलरी रहने वाली है, पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000, ये पे स्केल है। और आप लोगों के CTC अलाउंस इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और तो यहाँ पे 16 पोस्टें असिस्टेंट मैनेजर की रिलीज़ हुई हैं और यहाँ 30 इयर्स एज लिमिट बताई गई है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 10 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं फ्रेंड्स। एंड रिजर्व में 5, OBC के लिए 3 और ST के लिए 1, EWS के लिए 1, यहाँ भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल वालों के लिए E1 की पोस्ट रिलीज़ हुई है। 3 पोस्टें 30 ईयर्स एज लिमिट है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में E1 की 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर एनवायरमेंट E1 लेवल की 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है OBC के लिए। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट में E1 की जो है 1 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में E1 की 1 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर E1 की 1 वैकेंसी रिलीज़ हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स। तो आउट ऑफ द अबव मेंशन 37 वैकेंसीज एंड पोस्ट्स एंड मार्क फॉर PWD कैटेगरी अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ ऑन 3rd of October 2022। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की जो रहने वाली है, हायर मैनेजर एनवायरमेंट में एसेंशियल फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है। और यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव इन द रेलेवेंट फंक्शनल एरिया एज एन ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव इन PSU या गवर्नमेंट रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट MBA विद मार्केटिंग भी चलेगा। यहाँ पे इलेक्टिव फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेशर वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom वाले एलिजिबल रहेंगे अलॉन्ग विद CA या ICWA के साथ। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ रेगुलर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल लॉ डिग्री फ्रॉम अ नेशनल लॉ स्कूल या लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगी गई है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन PMNIR, MSW या फिर MBA विद HR इलेक्टिव फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर फर्स्ट क्लास 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट विद HR इलेक्टिव क्लेमिंग टू बी एवेलुएटेड इक्विवेलेंट टू MBA फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर एनवायरमेंट के लिए फर्स्ट फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी मांगी गई है। यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स वाले एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास डिग्री इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या पल्प या पेपर टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एंड 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर MBA इन द एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर्स मैनेजमेंट, परचेज या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में फर्स्ट क्लास BTech या BE इन एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक फर्स्ट क्लास फुल टाइम MCA या फर्स्ट क्लास BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट। कंपनी विल टेक अप वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी
तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। ओपनिंग ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 3rd of September से स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है आप लोगों की 3rd of October 2022। पेमेंट ऑफ फी इन ऑनलाइन मोड होने वाला है 3rd September से लेकर 3rd October तक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी वेबसाइट पे, या फिर आप मेरे वीडियो में या चैनल पे बने रह सकते हैं अपडेटेड। लिंक फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट अराउंड 10 to 15 days बिफोर द एग्जामिनेशन जो है वो लिंक आ जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। एज लिमिट जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ रिलैक्सेशन मिलने वाली है, अपर एज रिलैक्सेशन 5 years फॉर SC और ST, 3 years OBC वालों के लिए। अपर क्लास एज रिलैक्सेशन 10 years फॉर PWD कैटेगरी के लिए। कंपटीशन ऑफ एज मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन 3rd of October 2022 बताई गई है। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 600 नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फ़ी जो रहने वाली है बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए, और 200 जो है SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए। द फी इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट विल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 25% वेटेज एंड इंटरव्यू 25% वेटेज। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी इन द रेशियो ऑफ 1:4 फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप लोगों का विदाउट गेट जो है वो सिलेक्शन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाली है, प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के डोमेन से, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स और प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। टोटल जो है 120 क्वेश्चंस 150 मार्क्स आने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। टाइम जो मिलने वाली है आप लोगों की 120 मिनट्स आप लोगों को टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करें। इनके सेंटर्स जो हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ये सारे सेंटर्स बताए गए हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।